व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, दुनिया में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे आप कभी खरीद नहीं सकते, और वो चीज है साहस, हिम्मत। एक आदमी जो कहीं अंधेरे में बैठकर हमें बता रहा है कि कैसे उसने आज से 20 साल पहले कुछ ऐसे दिनों को जिया है जिसके बारे में सभी लोग उससे आकर पूछते हैं कि आखिर वो और उसके साथ ही जिंदा कैसे बच गए। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता पाता, बस उसका यही कहना था कि वो हमेशा से एक नास्तिक आदमी रहा। लेकिन उन दिनों उसे यकीन हो गया कि सच में इस दुनिया के ऊपर कोई बैठा चला रहा है, वही हमारा कर्ता धरता है और वही ईश्वर है। कहानी 20 साल पीछे जाती है और आज दिन है 15 अक्टूबर 1972। हम कुछ कॉलेज के बच्चों को देखते हैं जिनकी एक रग्बी टीम है। वो अपना अगला मैच खेलने के लिए चिली की ओर जा रहे हैं। इनकी फ्लाइट ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रही है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इनका संतुलन बिगड़ने लगता है। प्लेन में कुछ तेज तेज झटकों को महसूस किया जा सकता है और आगे बैठा पायलट सभी को बताता है कि घबराइए मत, मामूली से कुछ झटके हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इनका प्लेन एक तूफान में, बर्फीले तूफान में फंस गया है। अब यहाँ पर इन्हें कुछ भी हो सकता है। कुछ ही देर बाद झटके तेज बढ़ना शुरू हो जाते और फिर जिस बात का डर था वही होता है, प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है क्योंकि इसके इंजन फेल हो चुके थे। पायलट की आंख झपकती है और तभी प्लेन जाकर एक ऊंचे पहाड़ से टकरा जाता है। उसकी टेल उससे अलग हो जाती है। पीछे वाले हिस्से में जितने भी लोग थे उनके सामान के साथ साथ सभी नीचे गिर जाते और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आगे वाले अभी भी जिंदा थे, पर जब प्लेन आगे जाकर एक और बार पहाड़ से टकराता है तो उन्हें और चोट आती है क्योंकि इस बारी प्लेन पूरी तरह से सिमट चुका था और जितनी भी सीट और उनके सामान थे वो सब कुछ आगे आ जाते हैं और उसमें उन्हें काफ़ी चोट आती है। कुछ तो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाते हैं और जब कुछ लोगों को होश आता है तो अपने आसपास देखते हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उनके शरीर के अंदर बहने वाला खून तो यहाँ तक जम रहा था। कुछ तो ऐसे थे जो ठंड से ही मारे जाते हैं। कुछ लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि प्लेन के आगे वाले हिस्से में अभी एक पायलट होश में है और उन्हें उनके पास फौरन जाना होगा, इसलिए एंटोनियो और कैनेसा नाम के दो लड़के उनके पास जाते हैं और फौरन उनसे रेडियो को कैसे ऑन करना है ये पूछते हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि रेडियो की बैटरी जा चुकी थी। ऐसे में उन्हें बस किसी रेस्क्यू प्लेन के आने का इंतज़ार करना होगा। कुछ ही देर बाद वो पायलट भी अपना दम तोड़ देता है। कुछ और पैसेंजर भी मारे जाते हैं, यानी कि जितने भी लोग बचे हुए हैं उन्हें अब खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा क्योंकि कुछ ही देर बाद अंधेरा होने वाला है और ऐसे में ठंड बढ़ जाएगी। यहाँ कैनेसा सभी को आकर बताता है कि हमें जितनी भी सीट बची हुई है उन्हें कवर को निकाल लेना चाहिए ताकि हम रात में ठंड से बच सकें। लेकिन जब रात आती है तो इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जैसा सोचा था ठंड उससे कई गुना ज़्यादा है और उस ठंड को तो कुछ लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और जो पैसेंजर घायल थे उनका तो खून जम जाता है और वो मारे जाते हैं। पर जितनी भी थे जैसे तैसे करके ये अपनी रात गुजार देते हैं। फिर अगली सुबह कैनिस एक कैबिन क्रू के पास जाता है और एक लौता वही बचा हुआ था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो किसी की सुन ही नहीं रहा था। लेकिन कैनिस यह उसे समझाता है, फिर उसे पूछता है कि क्या इस प्लेन में कोई फ्लेयर है ताकि वो उसकी मदद से हम किसी सिग्नल को भेज सकें। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कोई चीज़ प्लेन में मौजूद ही नहीं है। अब ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाते हैं कि कुछ दिन कुछ रातें उन्हें ऐसे ही काटनी हो जाती है। धीरे धीरे करके लोग कम होते जा रहे थे क्योंकि हर कोई -20 डिग्री को झेल नहीं सकता। ऐसे में वो मारा जाता है। एक दिन वो क्रू मेंबर बताता है कि अगर हमें किसी को सिग्नल देना है तो हम रेडियो की मदद से दे सकते हैं, लेकिन उसकी बैटरी प्लेन के टेल में है जो कि पहले ही टकरा कर न जाने कहाँ गिरा हुआ है। अगर उसे हम ढूंढने में कामयाब हो गए तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन कैनिसिया कहता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो टेल कहाँ पर गिरी है। ऐसे में अगर हम बाहर उसे ढूंढने के लिए जाएंगे तो इस ठंड में मारे जाएंगे। अब 5 दिन बीत जाने के बाद जितने भी मरे हुए लोगों की लाशें थी उन्हें ये बाहर लाते हैं और उसे दफना देते हैं क्योंकि उसे अब बदबू आना शुरू हो गई थी। लेकिन वहाँ पर खड़े लोगों को यकीन था कि इन्हें कोई ना कोई ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा। तब तक इन्हें खुद को ज़िंदा रखना पड़ेगा। इसके लिए पहले जितना भी खाना होता है इनके पास वो इकट्ठा कर लेते हैं और फिर सबका उसमें हिस्सा लगाते हैं ताकि खाना ज़्यादा दिन चल सके। उसी समय इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन आसमान में इतनी धुंध होती है कि इन्हें बस आवाज़ ही सुनाई देती है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन इन सभी को लगता है कि उस हेलीकॉप्टर ने इन्हें देख लिया। ये खुद को तसल्ली देने लगते हैं कि ये बच जाएंगे, पर एक आदमी आकर बताता है कि हमें जो सच है वो अपनाना चाहिए, ना कि झूठ का सहारा लेकर खुद को ज़िंदा रखना चाहिए, और यही सच है कि उसने हमें देखा नहीं है। और सभी फिर से निराश होकर जाकर सो जाते हैं।
कुछ इस तरह से इनकी एक और रात ऐसे ही मुश्किलों के साथ कट जाती है। लेकिन यहाँ पर बचे जितने भी सर्वाइवर हैं, इन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इन्हें यहाँ पर कितने दिन रहना पड़ सकता है। सबको यही लग रहा है कि इन्हें कोई बचाने आएगा। चलिए अच्छा है, कम से कम एक उम्मीद है जो इन्हें जिंदा रख रही है। अगले दिन कुछ लोग इस स्टील को बेंड करके एक स्लोप बनाते हैं और फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाने की कोशिश करते हैं ताकि पीने का पानी मिल सके। वहीं कुछ दूरी पर कुछ लोग आराम से बैठकर स्मोक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि रेस्क्यू वाले उन्हें बचा लेंगे। और इधर रेस्क्यू टीम बार बार उस एरिया को सर्च कर रही थी लेकिन उन्हें ये लोग कहीं दिख नहीं पाते। लेकिन तभी प्लेन के अंदर एक नंदो नाम का आदमी पैसेंजर कोमा से उठता और उसे बताया जाता है कि उन लोगों का प्लेन क्रैश हो चुका है लेकिन तुम बच गए हो। वो सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं कि वो मर चुकी है। अब ये सुनकर वो रोना शुरू कर देता है पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बहन सैंजो अभी जिंदा है लेकिन वो बहुत ही घायल है और उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो वो उसी हालत में उसके पास भागते हुए जाता है और कहता है कि मेरी बहन तुम डरना मत, गॉड हमारे साथ है, अब तो मैं भी तुम्हारे पास आ गया हूँ, हम सब बच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बीते कई दिनों से बस इसी उम्मीद में है कि कोई आ जाए उन्हें बचाने के लिए। इन्हें खुद जाकर उस टेल को ढूंढना होगा ताकि वो फिर किसी को रेडियो से सिग्नल भेज सके। सभी लोग एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। अब नंदो पूरी रात अपनी बहन की देखभाल करता है, उसे क्या पता था कि ये सफर उसके लिए ऐसा शापित बन जाएगा। अब अगले दिन ये लोग फिर से बाहर जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि किसके अलावा कोई काम इन्हें है ही नहीं। तभी उनके ऊपर एक प्लेन जाते हुए दिखता है जो शायद कोई आर्मी प्लेन होगा। अब इन्हें लगता है कि उसने इन्हें देख लिया है इसलिए सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसी रात को सभी लोग एक एक करके खाने को खा लेते हैं जो उन्होंने आने वाले दिनों के लिए बचा कर रखा हुआ था। इन्हें लग रहा है कि अब तो वो कल बच ही जाएंगे तो इस खाने का कोई काम क्या होगा। अब सुबह होती है और ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं उस प्लेन का जो कि कल रात गुजरा था लेकिन यहाँ पर इन्हें बचाने कोई नहीं आता। और हकीकत भी यही है, उस प्लेन ने इन्हें कभी देखा ही नहीं था। और जब एंटोनियो सोकर उठता है तो वो सभी को खाना बांटने के लिए जाता है लेकिन वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था और ये देखकर वो सभी पर बहुत चिल्लाता क्योंकि न जाने कब तक इन्हें यहाँ पर रहना पड़ सकता है और क्या पता कभी कोई इन्हें बचाने आए ही ना। लेकिन उस रात कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर वो टेल गिरी हुई है और उसमें से बैटरी को लेकर वापस आएंगे। उधर कुछ लोग रेडियो को ठीक करने में भी लग जाते हैं लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं है, जो लोग वहाँ जाने वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और जाते हुए एक आदमी तो खाई में गिरते गिरते बचता है क्योंकि वहाँ की बर्फ बहुत नरम है, वो किसी भी समय टूट जाती है और ऐसे में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये वापस चले जाएंगे और वापस आ जाते हैं। सभी बहुत निराश थे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस रात नंदो की बहन भी अपना दम तोड़ देती है तो वो सभी से कहता है कि आज की रात मैं अपनी बहन को गले लगाकर सोना चाहता हूँ। एक तरफ उसने अपनी माँ को खो दिया और दूसरी तरफ अपनी बहन को, वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो सभी से कहता है कि हम कल उसे दफना देंगे, आज मुझे आखिरी बार उसके साथ रहना है। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग निराश और हताश हो जाते हैं क्योंकि सभी का कोई ना कोई यहाँ पर मरता जा रहा था लेकिन ये चीज़ इनके लिए कम थी। कि तभी अगले दिन एंटोनियो आकर बताता है कि सरकार ने हमें ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम लोग मर चुके हैं। अब ये सुनकर सभी और टूट जाते हैं और उसी समय नंदो कहता है कि हमें पता है कि यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा लेकिन तब तक हमें खाने के लिए कुछ तो चाहिए। वो कहता है कि जो बाहर लाशें दफन करी हुई हैं हम उन्हें ही खा सकते हैं, कम से कम वो कुछ दिन हमें ज़िंदा रख सकेंगी। लेकिन सभी उसकी बात से इनकार करते हैं पर नंदो को पता था कि ऐसी ठंड में हम खुद को ज़्यादा दिन भूखा रखेंगे तो एक एक करके हमारी जान जाती जाएगी। अब चार दिन बीत जाते हैं और ये लोग अभी भी भूखे थे इसलिए अब इन्हें ये भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक लड़का जाकर उन लाशों में से एक लाश को काट कर खाने लगता है। फिर सभी उसे देख कर एक एक करके आगे जाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए इन्हें ये करना ही पड़ता है। सभी बहुत भूखे थे इसलिए अब आ जाते हैं और उन्हें खाना शुरू कर देते हैं लेकिन ये देखकर नंदो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन लाशों में दो लोग उसके अपने ही थे लेकिन वह मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। अब कुछ खाने के बाद इनके अंदर थोड़ी बहुत ताकत आ जाती है और फिर इनमें से तीन लोग अगले दिन एक बार फिर से निकल जाते हैं प्लेन की टेल ढूंढने के लिए लेकिन वो कहाँ है ये तीनों में किसी को पता नहीं है। इसलिए ये सब एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं और ऐसे ही पूरा एक दिन निकल जाता है। अगली सुबह जब एक आदमी कुछ मांस के टुकड़ों को काट रहा होता है तो वो दूसरे आदमी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग बच पाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं। तभी हम उन तीनों आदमियों को देखते हैं जो रात को एक पहाड़ के सहारे बैठ गए थे ताकि थोड़ी देर वो सो सकें लेकिन सुबह होते ही उनके ऊपर बर्फ की परत जम जाती है
लेकिन शुक्र है कि वो जिंदा थे। उठकर वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें कुछ दूरी पर कुछ सामान मिलता है जो कि टेल से टूटकर गिर चुका था, जिसमें कुछ लोग भी होते हैं जो कि मर चुके थे। अब यहाँ से ये लोग आगे नहीं जाते क्योंकि आगे जाने के लिए इन्हें एक और रात यहाँ पर बितानी होगी जो इनके लिए सही नहीं है, और इसीलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस प्लेन पर लौट जाएंगे। अब वापस आने के बाद वो सभी के साथ बैठकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इस बारी वो लोग पूरे कपड़ों के साथ जाएंगे और कुछ खाने का सामान भी अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा करने पर वो ज़्यादा दिन वहाँ रुक सकते हैं। या हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग एक ही साथ सो रहे थे खुद को गर्म करने के लिए। अपने बचे हुए सामान को वो जला देते हैं और जब वो भी ख़त्म हो जाता है तो ये खुद के पैसों को भी जलाना शुरू कर देते हैं, और इसी समय इन्हें एहसास होता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी और कीमती चीज़ है तो वो खुद की जान है। तभी वहाँ पर कैलेटॉस नाम का आदमी कहता है कि लगता है कि हमारा साथ ईश्वर दे रहा है, तभी उसने हमें इतनी दिनों तक जिंदा रखा हुआ है। सभी उसके बात से एग्री करते हैं, लेकिन उसी रात एक तेज बर्फीला तूफान आता है। एक एवलांच इनके प्लेन के ऊपर आकर गिर जाता है जिसकी बहुत सारी बर्फ अंदर आ जाती है, जिसमें सभी लोग दब जाते हैं और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। अगले दिन सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देख पाते हैं कि अभी भी बाहर तूफान चल रहा है और इन्हें कुछ देर और अंदर रहना होगा। अब थोड़े टाइम बाद जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां पर कैलेटॉस बैठा हुआ दिखता है जो फिर से कहता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहा है, तभी देखो सूरज भी निकल गया है। दोस्तों, कैलेटॉस वही शख्स है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो हमें अपनी कहानी को बता रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और इस तूफान में और 8 लोग मारे जाते हैं जिन्हें ये बाहर दफन कर देते हैं। जो भी बचे हुए थे वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें कैसे भी करके उस टेल तक पहुँचना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, इन्हें यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं फंसे हुए, और तब से ये बस बर्फ को पिघलाकर उसी का पानी पी रहे हैं और खाने में उन लाशों की मांस को खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए खुशखबरी होती है कि विंटर का मौसम ख़त्म होने वाला है, यानी कि दिन लंबा होगा जिससे ये लंबा सफ़र तय कर सकेंगे। अब फिर से 3 लोग निकल जाते हैं टेल को ढूंढने के लिए, लेकिन इस बारी इन्हें कहा जाता है कि अगर तुम्हें वो टेल का हिस्सा नहीं मिला तो तुम वहां से आगे निकल जाना, लौट कर मत आना, क्या पता आगे जाकर कोई मदद मिल जाए। वो तीनों कड़ी मुश्किलों के बाद आगे बढ़ते रहते हैं और इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें ढूंढते ढूंढते वो टेल मिल जाती है। हालांकि ये लोग गलत दिशा में जा रहे थे, लेकिन वही इनके लिए सही दिशा थी। अब ये फौरन बैटरी को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी और ऐसे में उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए नंदो जाकर उस आदमी को अपने साथ लेकर आता है जो वायर्स वगैरह ठीक कर सकता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। ये चारों वहीं टेल के अंदर ही बैठकर खुद को आसरा देते हैं, पर यहाँ नंदो कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि तूफान आने वाला है और अगर हम आगे गए तो मारे जाएंगे। लेकिन उसके साथ वाला बंदा कहता है कि हमें अब वापस नहीं जाना चाहिए, पर 3 लोग नंदो की बात से राजी थे इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन बीच में इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऊपर से इन्हें अब ठंड भी लगना शुरू हो गई थी। नंदो के ऊपर सभी लोग चिल्लाते हैं क्योंकि उसका ही ये आइडिया था, लेकिन अब ये बाहर आ गए हैं इसलिए इन्हें आगे जाना ही होगा। बड़ी देर बाद ये फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग बर्फ से ढके हुए थे तो फौरन इन्हें गर्म किया जाता है। अगली सुबह हम नंदो को देखते हैं जो कुछ स्लीपिंग बैग बना रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि अब यहाँ पर ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें 60 दिन से ऊपर हो चुका है, अब उन्हें यहाँ से खुद चलकर कहीं जाना होगा और खुद के लिए मदद ढूंढनी होगी। कुछ समय के बाद कैनेसा और एंटोनिया नंदो के पास आते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग आगे जाएंगे मदद के लिए। जब ये जाने वाले होते हैं तो इनके पास कैलेटॉस आता है जो उन्हें बताता है कि मैंने कल रात एक सपना देखा था जिसमें तुम लोगों को एक हरियाली वाली जगह मिल गई है और तुम बच गए हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ ईश्वर ज़रूर देगा, जाओ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर ये निकल जाते हैं अपने अनजान सफ़र की ओर। कुछ दूर चलने के बाद ये ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां से नंदो को 50 मील दूर कुछ दिखाई देता है। वो सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि वहां कुछ पेड़ होंगे उन पहाड़ों के बीच में, लेकिन एंटोनियो वहीं गिर जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, 50 मील पैदल चलने के पहले ही हम भूख और ठंड से मारे जाएंगे। लेकिन नंदोगत, हमने 60 दिन एक प्लेन में इंसानों को खा कर गुजार दिया, तो फिर ये 50 मील क्या चीज़ है, मैं ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है इंसानी ज़िंदगी। लेकिन एंटोनियो जाने को राज़ी नहीं था, इसलिए लोग उसे वापस भेज देते हैं और फिर दोनों अकेले उस राशन को लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं।
इन्हें बस एक अंदाजा था कि आगे कुछ मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक आग को जलाने के लिए छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है, और यहाँ इन्हें यही उम्मीद आगे बढ़ाने में हिम्मत दे रही थी, हौसला दे रही थी। अब 12 दिन तक ये दोनों बस चलते रहते हैं, इनके पास अब खाना खत्म हो गया था। फिर एक रात ये अपनी उम्मीद तोड़कर वहीं लेट जाते हैं, लेकिन जब अगली सुबह इनकी आँख खुलती है तो इनके सामने एक हरियाली थी, नदी थी, बहुत सारे पेड़ थे, एक झरना था जो कि इन्हें रात में दिखाई नहीं दिया था, और इन्होंने फाइनली वो कर दिखाया। शायद नंदो की ये जिद थी जो अब उन 16 लोगों की जान को बचा सकेगी। कुछ देर बाद हम प्लेन में बचे हुए लोगों को देखते हैं जो बस एक उम्मीद में है कि काश कोई चमत्कार हो जाए। वो कहते हैं ना दोस्तों, ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। तभी उन्हें आसमान में दो हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उसमें नंदो बैठा हुआ था, उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सभी उसे देखकर बहुत खुश थे, और ये खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर देते हैं, और बस गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बच निकले। लास्ट में हम कैलेटॉस को देखते हैं जो कि इस कहानी को सुना रहा है। वो बताता है कि जाने से पहले हमने वहाँ पर मरे हुए लोगों को एक पहाड़ के नीचे दफना दिया, और उसके ऊपर उनकी याद में एक क्रॉस बना दिया। लास्ट में हमें बताया जाता है कि इस हादसे में 29 लोगों ने अपनी जान खो दी और 16 लोगों की जान बच गई। ये कहानी उन्हीं 29 और 16 लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और जान बचा ली। वेल, दोस्तों इस कहानी पर एम करते हैं 400 कमेंट का। इसी के साथ ये कहानी यही अंत हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।